गाइस वेलकम बैक टू आर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं जा रहा हूँ उन सबको सानी उन्हें दे दिए थे भोर में, अब जा रहा हूँ उन सबका दूध निकालने। अपना सानी उन्हें खाकर खड़ी हो चुके हैं और जो कि थोड़ा बहुत बचा तो वो सब खा रही हैं, पर टाइम हो चुका है दूध निकालने का। और बाकी सब गायों को सानी दिलाता है लेकिन उस बच्चे को नहीं दिला पाता है। तो इन सबका दूध निकाल लूँगा तो उसको लास्ट में दूँगा और उसके बाद पहले दूध निकालते हैं। तो ये रहा खरी, खरी चलाकर दूध निकालते हैं और इस तरह मौसम कुछ इस तरह। सबका दूध निकाल लिए हैं और अलग अलग अलगा भी दिए हैं, अब जा रहे हैं पाइप फिला दिए हैं। ये रहा पाइप का डांस पानी आएगा और बाकी खड़ा पा धोना नीचे का, ये सब धो देंगे। फिर नीचे सब आराम करेंगे 5-6 घंटा, मतलब शाम तक आराम करेंगे। फिर उसके बाद आएगा काम इन लोग का 3 बजे से स्टार्ट। अभी हम ग्राउंड आए थे और ग्राउंड पे आकर रनिंग वगैरह कर लिया, मतलब ठीक से रनिंग नहीं कर पाए क्योंकि रनिंग करने लायक ग्राउंड था नहीं, तो आ गए हैं और बाकी एक्सरसाइज वगैरह कर लिए हैं। और अभी थोड़ा 10 मिनट रेस्ट करेंगे फिर उसके बाद चले जाएंगे घर। फिलहाल लगने का तैयारी यहाँ तक पहुँचा है, अभी 2 दिन बाकी है, मतलब 3 दिन, 3 तारीख सुबह साथ स्टार्ट हो रहा है तो अभी 5 दिन बाकी है। 28 तारीख है, 2 दिन इस महीने का और 3 दिन उस महीने का, तो अभी 5 दिन हो जाएगा। और इस पूरे ग्राउंड में कोई नहीं है बस मेरे सिवा, और वहाँ पर कबूतर मजे किए हैं, दिखाई नहीं दे रहा है पर दिखाई देगा अभी। हम हैं वहाँ पे, कबूतर बहुत सारे हैं वहाँ पे, एक कबूतर के आगे बजरंगबली का मंदिर है बस, और कोई नहीं है और इस ग्राउंड में। और अभी बज चुके हैं 10:30 हैं घर, और घर जाकर नहाते हैं उसके बाद रेस्ट करते हैं। ग्राउंड से आ चुके हैं घर और अभी बज चुके हैं दोपहर के 1, और ये सब मस्त एकदम बैठी हुई हैं और कुछ गायें खड़ी हुई हैं। और हम जो है ग्राउंड से आकर नहा होकर से आ गया हूँ कभी का, और आकर सो गया था, सोकर उठा हूँ तो इन सब के पास आए हैं और ये सब अपना मस्त रेस्ट कर रही हैं। और ये एक गाय है जो कि मेरे को बहुत मानती है, मतलब इसके पास चले जाओ कुछ नहीं करती, मतलब किसी तरह, मतलब सही एकदम परज गई है। तो ये एकदम ऐसी है, कुछ भी कहे तो मतलब मारती नहीं है मेरे को। पहले नई नई में आई थी ना तो मार रही थी, मतलब पास नहीं आ रही थी, अब परज गई है कि जानती है कि हाँ यही खाना देते हैं मुझे, इसलिए अब कुछ नहीं करती है। सानी तो अभी सानी होने देने में सबको अभी टाइम है, अभी जो दोपहर के बज रहे हैं 1:30, अभी 3 घंटे का टाइम है, मतलब 4 बजे देंगे तो 2.5 घंटे का समय है। और अभी ये सब मस्त अपना रेस्ट कर रही हैं, बैठी है वो बैठी है और बाकी सब खड़ी हैं। और लाइट भी नहीं है कि फ़ैन सबका ऑन रहे, लाइट कट गई है अभी जस्ट 15 मिनट पहले, अब आएगी तो फ़ैन चलेगा तो ये सब फिर दोबारा से बैठेंगे। मैं आया था तो सब बैठी थी, बस लाइट कट गया था और शायद आया था इसलिए सब उठी गई हैं, तो अभी लाइट भी नहीं है इसलिए सब खड़ी हो गई। लाइट का नाम लेते ही लाइट आ गया और फैन भी चलने लगा, तो अभी सब बैठ जाएंगी। अभी बज चुके हैं शाम के 3:30 और जा रहा हूँ इन सबको सानी पानी करने। और बाहर हो रही है बारिश, देख सकते हैं बाहर 7 हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, स्लो ही हो रही है पर हो रही है। रहा खरी और ये रहा कोवर और ये रही गाय और ये रहा नाद, तो इन सबको सानी उन देते हैं और इन सबको लगाते हैं सानी पे, सानी खाएंगी तभी दूध देंगी नहीं तो नहीं देंगी। आपको सानी पानी लगा दिया हूँ और ये मस्त अपना खा रही हैं और अभी दूध निकालेंगे 2 घंटे बाद। अभी बज रहे हैं 4-6 बजे दूध निकालते हैं, लेकिन 5:30 बजे अब निकाल रहे हैं तो 1.5 घंटे बाद इन सबका दूध निकालेंगे। तो ये सब मस्त एकदम खा रही हैं, मैंने फीड में दिया है चोकर, मसूर और भूसा, बस यही 3 चीज़ अपना खा रही हैं, बस ये नहीं खा रही है, इसको बाद में देंगे जब सब खा लेंगे सबका दूध निकाल लेंगे तो इसको देते हैं। और ये ताक रही है क्योंकि नाद ही नहीं है मेरे पास, कम है, और यहाँ पी रही और ये मस्त खा रही है एकदम। कुछ इस तरह है जो कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मौसम एकदम बारिश आ रहा है। बज चुके हैं 5:30 और अब मेरे हाथ में है बल्टी और अब जा रहा हूँ इन सबका दूध निकालने। पानी पानी खाकर मस्त खड़ी हैं एकदम और लाइट भी है, दूध निकाल लिए हैं और इन सबको अलग अलग अलगा दिए हैं अब। और आज का काम इन सबका होता है ख़त्म, अब आएगा कल सुबह। इस ब्लॉग को करते हैं सभी ख़त्म, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।